महाराष्ट्र में परप्रांतीय लेबर यानी माइग्रेंट लेबर इनकी तादाद बहुत बड़ी है, मुंबई में भी इनकी संख्या काफी बड़ी है। ये सब लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने गांव में जाना चाहते हैं। कल के सभी अखबारों में ऐसी खबर छपी थी कि रेलवे प्रशासन 85% इनके टिकट में छूट देने वाला है, लेकिन अभी तक रेलवे प्रशासन के ओर से कोई भी आदेश अभी तक निकले नहीं है। सभी को बताया कि इस कामगारों को गए 45 दिन से कोई काम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। ऐसी हालत में रेलवे प्रशासन ने इनके तरफ से उनके राज्य में जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विचार करना चाहिए। उसके लिए मैं राज्य शासन की ओर से रेलवे प्रशासन को गुजारिश करता हूं कि उन्होंने इनकी टिकट माफ करके इनको बिना टिकट अपने अपने राज्य में जाने की इजाजत देना चाहिए। धन्यवाद। आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय कामगार आहेत, मुंबईमध्ये याची संख्या तो फार जास्ती आहे, त्या सर्वांना आपल्या आपल्या राज्यामध्ये जायचं आहे। काल सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये बातमी होती की केंद्रातील रेल्वे खात्याच्या माध्यमातून 85% सवलत तिकिटावर या परप्रांतीय कामगारांना देण्यात आलेली आहे, पण आजच्या तारखेपर्यंत अशा प्रकारचे कोणते आदेश रेल्वे विभागाने काढले नाही। त्याच्यामुळे आज जे सर्व परप्रांतीय लेबर आहेत जे आपल्या आपल्या राज्यामध्ये चालले आहेत त्यांना स्वतःच्या खिशातनं पैसे काढून तिकीट काढावं लागत आहे। आज या सर्व परप्रांतीय कामगारांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे, त्यांच्याकडे पैसे नाही आणि अशा या परिस्थितीमध्ये रेल्वे खात्याने या कामगारांकडून पैसे घेऊ नये अशी मी परत रेल्वे प्रशासनाला राज्य शासनाच्या माध्यमातून विनंती करतो। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।